आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रांगण में साप्ताहिक योग शिविर कार्यक्रम का समापन किया गया, जिसके संबंध में कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने बताया कि आज के वर्तमान समय में अनेकों प्रकार की नई नई बीमारी हो रही है, इससे बचने के लिए मात्र योगा ही एक उपाय है। उसी संबंध में राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रांगण में कॉलेज के बच्चों को योगा कराया गया तथा योगाचार्य को बुलाकर योग के विषय में जानकारियां दिलाया गया कि जिससे युवा योग से लाभान्वित हो और अपने घर तथा समाज में जाकर जागरूक करें कि योग करने से आप सभी निरोग रह सकते हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी बीमारी को योग के माध्यम से दूर कर सकते हैं और अगर नियमित रूप से योग किया जाए तो किसी भी प्रकार की कभी कोई बीमारी नहीं होगी। इस अवसर पर वरिष्ठ स्वयं सेवक कमलेश यादव, अतुल कुमार, सौम्या यादव, कुलसुम जहां, प्रेमलता यादव, वैष्णवी यादव, संजय कुमार, अंगद शर्मा, अंकिता कुमारी सहित अन्य छात्र छात्रा एवं प्रोफेसर मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर जितेंद्र कुमार ने कहा, तरफ ध्यान होनी चाहिए सभी लोग, पहले दाएं होते हैं उसके बाद बाएं होते हैं, कोई बात नहीं। सर को देखते हुए ऊपर अपने हाथ की तरफ देखिए, हंसिए नहीं, आवाज को मैं आपको बताना चाहता हूं कि योग विषय बहुत बड़ा विषय है, आप लोगों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है, एक विद्यार्थी के लिए बहुत सारा तनाव, बहुत सारा डिप्रेशन आज के युग में है और योग से ही दूर हो सकता है। शायद दुनिया का कोई भी योग ऐसा नहीं है, चाहे हठ योग है, चाहे राज योग हो, चाहे भक्ति योग हो। भगवान कृष्ण ने 18 योग बताया था, उतना योग आप लोग नहीं कर पाएंगे। महर्षि पतंजलि ने कहा कि योग मन की वृत्तियों को शांत करता है, अगर मन आपका शांत हो जाए तो आपको कोई चीज़ का अभाव नहीं होगा। योगश्चित वित्त निरोधक की बात कही भगवान पतंजलि ने, ये बाबा गोरखनाथ की तपस्थली है, तो यहाँ पे योग का और भी महत्व हो जाता है। हाँ, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर रक्षा एवं स्ट्रैटेजिक अध्ययन विभाग में कार्यरत हूँ, साथ ही साथ आपदा एवं प्रबंधन विभाग का मैं कोऑर्डिनेटर हूँ और यहाँ पे NSS का संयोजक हूँ। जैसा आप जानते हैं, आज़ादी के अमृत महोत्सव के उत्सव पे सप्त दिवसीय योग प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें NSS के हमारे सभी छात्र तथा आपदा प्रबंधन और राष्ट्रीय सुरक्षा के पाठ्यक्रम के छात्रों ने प्रतिभाग किया है। इस तरह हमने 7 दिनों से ये प्रोग्राम 14 तारीख से ये प्रोग्राम संचालित कर रहे हैं, उसका आज अंतिम दिन था। ये हम प्रत्येक दिन किसी न किसी योगाचार्य को बुलाते हैं और योग के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियाँ उनसे दिलवाते हैं, जिससे बच्चे हमारे योग से लाभान्वित हों और समाज में अपने घर जाकर जागरूक करें कि योग करने से आप निरोग रह सकते हैं और योग के महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानकर और उसके कुछ प्राणायाम, कुछ अभ्यासों, सूर्य नमस्कार जैसे योग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योगासनों को वो योगाचार्यों के माध्यम से योग के विषय में सीखते हैं और घर पे जाकर उसका डेली अपने भी योग के रूप में प्रयोग करते हैं। देखिए सर, जैसा आप जानते हैं, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नई नई प्रकार की बीमारियां हमारे सामने आ रही हैं, जिसको आयुर्वेद के माध्यम से तो दूर किया ही जाता है, लेकिन योग एक ऐसा विषय बन गया है जिससे किसी भी प्रकार की बीमारी को आप योग के माध्यम से दूर कर सकते हैं और अगर आप नियमित रूप से योग करते हैं तो आपको बीमारी तो होगी ही नहीं,
बीमारी दूर करने की बात तो बहुत बात की बात है।